अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम का प्लेइंग 11 क्या होने जा रहा है। आज प्लेइंग 11 आप लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तान का पहले टेस्ट मैच में प्लेइंग 11 क्या होगा। अगर बात करें पाकिस्तान की ओपनर्स की तो अब्दुल्ला शफीक और शॉन मसूद, ये दो ओपनर्स आएंगे। और वन डाउन की बात करें तीसरे नंबर की तो अजहर अली, बाबर आजम आएंगे फिर नंबर चार पर, फिर फवाद आलम आएंगे और मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर होंगे। इफ्तिखार अहमद और वसीम जूनियर में से एक को शामिल किया जाएगा क्योंकि फहीम अशरफ को इंजरी हो गई, तो उसकी जगह मुझे ज़्यादा यही लग रहा है कि इफ्तिखार अहमद को ही खिलाया जाएगा। दो स्पिनर्स खेलेंगे, साजिद खान और नोमान अली। अगर पाकिस्तान की पेसर्स की बात करें तो शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, ये दो पेसर्स खेलेंगे क्योंकि हसन अली भी इंजर्ड हैं। हारिस रऊफ को कोरोना टेस्ट उसका भी मुस्बत आ गया, तो वो भी बाहर हो गए हैं अभी तक इस पहले टेस्ट में। अगर पाकिस्तान की बात करें टीम की तो तीन तब्दीलियां इस प्लेइंग 11 में शामिल हैं। शान मसूद आबिद अली की जगह पर आया है, इफ्तिखार अहमद और वसीम जूनियर में से एक, ये फहीम अशरफ की जगह खेलेगा। नसीम शाह हसन अली की जगह पे खेलेगा क्योंकि ये तीन तब्दीलियां पाकिस्तान का पहले टेस्ट में मुतवक्के हैं। तो नाज़रीन, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।